आप सभी का स्वागत है हमारी रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं आसान तरीके से रसमलाई, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलो बनाना शुरू करते हैं। हमने भगोने में 1 किलो दूध लिया है रसमलाई बनाने के लिए। अब इसे अच्छे से उबालेंगे। आप देख सकते हैं हमारे दूध में उबाल आ गया है और थोड़े से झाग से आगे ने हटा करके अच्छे से उबाल लेंगे। अब हमारा दूध अच्छे से उबल गया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम सफ़ेद सिरका डाल के इसे फाड़ लेंगे और छेना बना लेंगे। आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा दूध कितना अच्छे से फट गया है। अब इसे एक कपड़े में सूती में छान लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से दूध को छान लिया है और इसे अब मलेंगे हम, और इसे अच्छे से मलेंगे जिससे कि इसमें गुठली सी ना रहे बिल्कुल, और आटे की तरह मुलायम कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा आटे की तरह डो बन गया है। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी की बूंद डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बेकिंग पाउडर मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा 1.5 चम्मच अरारोट डालेंगे और अरारोट डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच सूजी डालेंगे, जो इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा इसे सोख लेगी हमारी सूजी, और इसे अच्छे से मलेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से मल लिया है और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब हमने सारे पेड़े तोड़ लिए हैं। अब हम गोल गोल आकार की रसमलाई बना रहे हैं। आप किसी भी आकार की रसमलाई बना सकते हैं, चपटी या लंबे आकार की बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से छोटे छोटे गोल गोल आकार में बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी रसमलाई गोल आकार में बना ली है। रसमलाई उबालने के लिए हम भगोने में 1 कप चीनी डालेंगे और 2 कप पानी डालेंगे और 2 कप पानी डालने के बाद इसे चला करके अच्छे से उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी अच्छे से उबल गई है और इसमें जो हमने गोले बनाए थे रसमलाई के इसमें डाल के उबाल लेंगे। और उबलने के बाद इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच रीठे का पानी डाल देंगे जिससे हमारे झाग बनेंगे और अच्छे से ये पक जाएंगे, और इसे ढक करके 20 मिनट तक पका लेंगे। अब 20 मिनट हो गई हैं। अब इस ढक्कन को हटाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे कितने छोटे छोटे गोले थे, अब कितने बड़ी बड़ी रसमलाई बन गई हैं। और इन्हें चला करके ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और एक फ्राईदान लेंगे और फ्राईदान में 1/2 लीटर दूध डालेंगे रसमलाई बनाने के लिए, और दूध को चला करके धीरे धीरे इसे गाढ़ा करेंगे और गैस को मीडियम ही रखेंगे और दूध को धीरे धीरे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारा दूध गाढ़ा हो गया रसमलाई के लिए। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे पीला कलर का, जिससे कि हमारी रसमलाई अच्छी लगेगी। आप इसमें कलर के लिए केसर भी डाल सकते हैं और इसे धीरे धीरे चला करके उबाल लेंगे। और इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे मीठा करने के लिए, और मीठा आप कम बढ़ती कर सकते हैं। और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चला करके, और चीनी मिक्स करने के बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी रसमलाई बन गई है। अब इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे और जो हमने ठंडी करने के लिए रसमलाई रखी थी अब इस बाउल में डाल लेंगे। अब इसे एक साइड रखेंगे। जो हमने रसगुल्ले बनाए थे रसमलाई बनाने के लिए अब वो ठंडे हो गए हैं। अब इसमें 1-1 करके डाल लेंगे। अब सारे रसमलाई डालने के बाद इसे भगोने के एक साइड रखेंगे और इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे सजाने के लिए, जिससे हमारी रसमलाई बहुत अच्छी लगेगी।
अब हमारी रसमलाई आसान तरीके से बनके तैयार है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।